राजस्थान में विधानसभा चुनाव में पिछले चार बार के चुनाव के मुकाबले रिकॉर्ड मतदान हुआ है। ये आंकड़ा 75% के पार कर रहा है और इसकी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस हिसाब से राजस्थान से गहलोत सरकार की विदाई और बीजेपी की ताजपोशी तय मानी जा रही है। बात जोधपुर की करें तो जिले में कुल 46% मतदान हुआ। वहीं जिले में सबसे कम मतदान भोपालगढ़ में भी करीब 58% वोटिंग हुई। ओसिया में सर्वाधिक 93% वोटिंग हुई है। ओसिया में इतना बंपर वोटिंग देखते हुए ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा भी फूली नहीं समा रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कल जोधपुर जिले के सभी विधानसभाओं के वोटिंग प्रतिशत में ओसिया नंबर एक रहा। मुझे खुशी है कि ओसिया की जनता ने बढ़ चढ़ कर अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का वहन किया और ओसिया के गौरव को बनाए रखा। ओसिया के सर्वांगीण विकास के लिए आपने जो उत्साह और तत्परता से इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दिखाई, उसके लिए मैं आप सभी जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जो पार्टी के लिए दिन रात एक कर समर्पित रहे। इसके साथ ही मैं उन सभी चुनाव अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी वजह से ये चुनाव संपन्न हो पाया। मेरा विश्वास है कि आपका मत ओसिया के स्वाभिमान और विकास को मजबूती प्रदान करेगा। आप सभी का आभार। आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार अनुमानित 75% मतदान हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल डेटा जारी नहीं हुआ है, इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। लेकिन जिस तरह से साइलेंट वोटिंग इस बार हुई है उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि करीब 50 से ज्यादा सीटें ऐसी होंगी जिन पर हार जीत का अंतर 2000 से कम वोटों का हो सकता है।